एक बात तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि टेंशन होता है तो हमें गाने सुनने चाहिए, जिससे हमें रिलैक्सेशन मिलता है। और ये सच बात भी है, मैं खुद गाने सुनता हूँ, लेकिन गाने से ज्यादा मुझे मूवीज देखने से मजा आता है। मजे के साथ साथ दोस्तों मेरे अंदर की टेंशन भी दूर हो जाती है। जाहिर सी बात है, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा टेंशन होता है कि हमें ये करना है वो करना है, जिसमें काफी ज्यादा टेंशन और बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं। लेकिन ये मेरा जो चैनल है, इस पे ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो भी मूवीज से रिलेटेड है। जिन लोगों का ज्यादा टेंशन होता है, जो ज्यादा तनाव रहते हैं, तो उन्हें अपनी मनपसंद फिल्म देखनी चाहिए। कोई हॉलीवुड मूवी देखनी चाहिए, टॉलीवुड या फिर बॉलीवुड, किसी भी तरह की मूवी देखो, लेकिन ऐसी मूवी देखो कि उसको देखने के बाद अपना दिल खुश हो जाए कि हाँ भाई मजा आया मूवी देखने में। अपना टेंशन मूवी को देखते देखते अपन को याद ही नहीं रहता है कि टेंशन क्या था, स्ट्रेस क्या था अपन को, या फिर कुछ काम है। अरे काम है तो बाद में करेंगे, अभी मूवी देख रहे हैं तो पूरा कॉन्सेंट्रेशन सामने वाले का मूवी पे लग जाता है। मूवी दोस्तों एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है उन लोगों के लिए जो अकेले रहते हैं। भाई तुम अकेले रहना चाहते हो, अकेले रहो, मूवीज देख के अपना टाइम पास करो ना, अपना खुद का स्ट्रेस को कम करो, मनोरंजन खुद का बढ़ाओ। आपको किसी के साथ की जरूरत नहीं है कि आप कोई आए आपसे बात करे, आप किसी से बात करो। मूवीज को अपना दोस्त बना लो। हर दिन आप एक मूवी को डाउनलोड करो, हिंदी इंग्लिश जैसे भी आपको सेटिस्फाई लगता है उस तरीके से, और देखो आराम से। या फिर वेब सीरीज को देख लो, वेब सीरीज भी एक बेटर ऑप्शन है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि मेरे खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब भी मुझे ऐसा कुछ टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है, तो मैं कोई सी भी अच्छी मूवी देख लेता हूँ, एक्शन कॉमेडी की, किसी भी हीरो की देख लेता हूँ। ऐसा बात नहीं है कि उनकी देखूंगा उनकी देखूंगा, नहीं, मेरे खुद के फेवरेट हीरोज हैं, आयरन मैन, जैकी चैन, रॉबर्ट डोनी जूनियर, काफी सारे, मतलब बहुत ही ज्यादा। जब मैं एक्शन कॉमेडी मूवी देखता हूँ, मेरा खुद का पूरा टेंशन उतर जाता है। तो उन लोगों के लिए खास करके वीडियो बहुत काम आएगी जो लोग स्ट्रेस हैं या अकेला रहना चाहते हैं, तो वो लोग मूवीज देख के अपना टाइम पास कर सकते हैं, अपना स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। खास करके वो लोग जिन्हें मूवीज देखना पसंद है, वो लोग तो जाहिर सी बात है देखेंगे, लेकिन जो लोग अकेले रहते हैं तो वो मूवीज देखकर अपना खुद का एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, स्ट्रेस दूर कर सकते हैं, तनाव हर चीज से दूर जा सकते हैं। अपनी मूवी को देख कर मूवीज से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। यदि आप टेक्नोलॉजी से मूवी देखना, टेक्नोलॉजी वाली मूवी देखते हो, तो आपको खुद टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलता है, साइंस फिक्शन मूवीज, कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है इंडिया की या फिर अमेरिका की कितनी ज्यादा बढ़ गई है। तो ये भी एक अच्छा बेटर ऑप्शन हो सकता है यदि आप मूवीज को देखोगे तो, उनसे कुछ सीखोगे तो। क्योंकि दोस्तों मूवीज भी एक बेटर ऑप्शन हो सकता है कि मूवीज से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप मूवी पे कितना ज्यादा ध्यान देते हो। आप मूवीज के थॉट्स सीख सकते हो कि मूवी आपको क्या सिखाना चाह रही है, कैसे लाइफ में अपन को जीना है, अच्छा बुरा हर चीज सिखाती है मूवीज, यदि आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके देखो तो। तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ इसलिए थी कि जो लोग अलोन रहते हैं उन्हें मूवीज देखना चाहिए। रोज की एक मूवी भी आप देखोगे तो आपका स्ट्रेस दूर होगा, जिन्हें नहीं है वो लोग देखेंगे तो उनका खुद का एंटरटेनमेंट होगा। यानी कि देखा जाए तो वेस्ट ऑफ टाइम जिन्हें लगता है वो लोग ना देखे, यदि जिन्हें लगता है कि मूवीज देखना वेस्ट ऑफ टाइम है, भाई जिन्हें शौक है वो तो देखेंगे, जिन्हें नहीं शौक है वो कुछ और काम करेंगे। किसी को घूमना पसंद है, किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है, किसी को और किसी टाइम मतलब कुछ कहीं और टाइम देना पसंद है। जिन लोगों की गर्लफ्रेंड नहीं होती वो मूवीज देख सकते हैं, अपना खुद का टाइम पास कर सकते हैं, खुद को एंटरटेन कर सकते हैं बिना किसी से परेशान होकर। तो ये वीडियो खास करके उन लोगों के लिए कि जो अकेले हैं, लोनली हैं, वो लोग इस वीडियो को देखें, मूवीज को देखें वगैरह वगैरह। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी हो, या फिर आपको पसंद आई हो ये वीडियो, तो सब्सक्राइब कर लेना भाई चैनल को। और कोई पूछना हो मुझसे कुछ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा।